पार्ट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि काश्तकारों को अपने ही खेत में उग रहे, पैदा हो रहे उन सारी फूल पौधों का उपयोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करना है। नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस और पद्धत ये जूने जमाने की पद्धत है, एंशिएंट पद्धत है। सप्लाई और डिमांड के रेशियो को मैच करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का उपयोग शुरू हुआ। मगर WHO की भी रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक्स है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से हेल्थ, ह्यूमन बीइंग्स के हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते चली है। 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग से लेके तो आज तक आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कार्डियक, किडनी, न्यूरोलॉजी, हर प्रकार की बीमारियां, कैंसर का प्रमाण बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा है। आज 10 आदमी में से 3 आदमी को कैंसर नजर आता है, 10 में से 6 से 7 लोगों को डायबिटीज होती है, 10 में से 5 आदमी को कार्डियक का प्रॉब्लम होता है। ये सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल के अंदर हम क्या पदार्थ खाते हैं और उसमें कितनी भारी मात्रा में केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर आता है। जिस तरह से उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर आता है, उसी तरह से ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इस भूमि को, जमीन को भी खराब करती है। ये देखा गया है कि जहां जहां पर भारी मात्रा में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का उपयोग जिन जमीनों पे किया गया है, कुछ साल तक उत्पादन बड़ी तादाद में आता है और उसके बाद उत्पादन जो है बड़ी तादाद से, बड़ी स्पीड से गिरता है। और उस पीरियड में 10-15 सालों में जमीन जो है केमिकल और फर्टिलाइजर की वजह से अपनी जो नेचुरल ताकत उसकी है वो उसमें से खत्म हो जाती है। हम आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हाँ, ये फर्क है। फर्क को जानने के लिए तो फिजिकली, प्रैक्टिकली आपको सॉइल को हाथ में लेके, उसके टेक्सचर को देख के, उसकी खुशबू देख करके तब समझ में आता है। मगर इस वीडियो के जरिए हमारा प्रयास है कि हम अर्बन एरियाज में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिसे शहरों में और कहा जाता है ऑर्गेनिक, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और अपनी हेल्थ की ताल्लुक से अपनी फिक्र करना चाहिए और एंशियंट पद्धत से अपनी नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमको बढ़ने की जरूरत